म्यूजिक बज गया, मस्त बजा, मस्त बजा। हाँ हेलो हाय एवरीवन। अच्छा रोमियो को किसने किसने यूट्यूब फेसबुक पर देखा जरा? अरे इतने सारे लोगों ने देखा है। हाँ हाय हाय, क्या हो गया? देवी जी को लाइव देख रहा हूँ। देवी जी को लाइव देख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जगह है भगवानपुर, तभी तो यहाँ पर देवी आई है। बिल्कुल, ये भगवानपुर है तभी तो यहाँ पर देवी आई है। लेकिन एक बात है। क्या? दैत्य भी आया है। चुप रहे भैया, एकदम प्लेन रखना। सुना क्या? हेलो। हाँ हाँ, सुन लिया। सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। नहीं, वो अपनी पत्नी की केवल सुनता है। नहीं अभी सुन रहे। चंद्रोदय जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। और देवी जी से कुछ कहना चाहता है? देवी जी एक बात कहूँ क्या? बोलिए ना, बोलिए। मेरी तो आवाज ही गंद हो जाती है। अच्छा देवी जी को एक कहानी सुना दे। कहानी सुना दूँ? हाँ। देवी जी एक जंगल था। एक जंगल था, फिर क्या हुआ? उसमें दो दोस्त रहते थे। एक जंगल था, उसमें दो दोस्त रहते थे। तू ही बोल ले। जब दो खूबसूरत लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलने का। अच्छा ठीक है। देवी जी थोड़ा आगे आइए ना, करिए गाइए। अच्छा बोल बोल, क्या बोल रहा है? देवी जी घर के मुखिया जी हैं ये, इनके सामने केवल इनकी वाइफ की चलती है। अच्छा इनके सामने केवल इनकी वाइफ की चलती है। अच्छा मैं ये बोल रहा था रोमियो, तू कुछ कहानी सुना रहा था। हाँ हाँ देवी जी। हाँ देवी जी को क्या कहानी सुना रहा है? एक जंगल था। हाँ एक जंगल था। फिर तो बोल रहा है, चुप रहेगा? ठीक है। कि एक जंगल था, उसमें दो दोस्त रहते थे। अच्छा एक जंगल था, उसमें दो दोस्त रहते थे। चुप रहे ना साले। अच्छा ठीक है तू ही बोल। एक जंगल था, उसमें दो दोस्त रहते थे। एक जंगल था, उसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था। हाँ चुप रहे तू। एक का नाम था आई हेट यू। हाँ एक का नाम था आई लव यू। आई हेट यू मर गया तो कौन बचा? आई हेट यू मर गया तो आई लव यू बचा। आई लव यू टू। सो भाई साहब खरगोश हो गया। थैंक यू सो मच देवी जी, इधर आइए। रोमियो बदमाश, मजा आ गया लेकिन नशा भी आ गया। अच्छा ठीक है, चलो मजा तो बहुत आया। लेकिन अभी तू देख रहा है कि अरे ये कौन है? ये भाई साहब बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। सुनना, पहले इसको छाती में खुजली होती थी। अच्छा छाती में खुजली होती थी, फिर किसी ने बीच में गिटार घुसेर दिया। अच्छा तभी गिटार बजने लग गया। हाँ लेकिन इनके बाल बड़े अच्छे हैं। बाबा रामदेव से प्रेरित हैं क्या? लेकिन एक बात है, जब ये चलते हैं ना, जब ये आगे से चलते हैं तो पीछे से दो चार लड़के लड़की समझ कर इनका पीछा करते हैं। अरे नहीं, फिर ऊंचदारी देख कर समझते हैं कि लड़का है। फिर जितना दूर पीछा किया है ना, हाँ उतने दूर का पेट्रोल मांग लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। लड़कियां हैं कि नहीं? इधर है लड़कियां। सब लोग बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। देवी जी भी बहुत सुंदर लग रही है, एक अकेला तो ही बदसूरत है। चुप रहे पागल कहीं का। अच्छा लेकिन जितनी महिलाएं हैं वो बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और जितने मर्द हैं वो जीएसटी मर्द। जीएसटी? जीएसटी मतलब घरवाली से तंग? नहीं नहीं कोई घरवाली से तंग नहीं है, लेकिन एक बात मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि नजर से नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं। वाह तेरी नजर कभी मिली है क्या? एक बार मिली थी। लड़की बेचारी अंधी होगी। चुप रहे। कि नजर से नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं।
अच्छा, जो इन सब में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। लेकिन एक बात रोमियो, मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों के लिए बोल दे। दोस्तों के लिए? हाँ, जो पढ़ने वाले हमारे दोस्त हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, उनके लिए कुछ बोल दे। दोस्तों, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो। वाह, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो। इश्क बुरी चीज है, मत किया करो। अरे वाह, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है, मत किया करो। अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो। अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो। और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ दो। बदमाश कहीं का। हमारे भाई हैं ये। सर आपका लड़का है ना? ये आपका लड़का है? ये अभी आया था ना आपका लड़का? ये मुखिया जी का लड़का है? ये तो मेरा दोस्त है। ये मुखिया जी का लड़का मेरा दोस्त है। क्या बात कर रहा है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबू आपका क्या नाम है? हाँ, नित्यम की सत्यम। नित्यम ऐसे प्यार से तू सत्यम बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, मैं इसको जानता हूँ। अच्छा, तेरा दोस्त है और क्या। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? थ्री में। थ्री में? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टू में। झूठ बोल रहे, नंगी ने झूठ बोलना सिखाया क्या? अभी देखो तू पकड़ा गया। मैम इसने कहा कि ये थ्री में पढ़ता है, वो टू में पढ़ता है, फिर दोस्त कैसे हुआ? वो एक क्लास फेल हो गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो पढ़ने में बहुत तेज है। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी से कुछ मांगना हो ना, कभी किसी से कुछ मांगना हो तो ऐसे मांगना जैसे अपने वाइफ की है। दे दे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने वाइफ की है। सही बात है। ये पहलवान क्या कर रहा है? खाना खाता है, खड़ा रहता है, जिम करता है। हाँ, जिम करता है। तुझे पता है बहुत वेट उठाता है, बहुत वेट उठाता है, बहुत वेट उठाता है। पहलवान जी दूर रहना मेरे से, ये चाय बांट रहा है। चाय? चाय कौन बांट रहा है? ये अपना सिंगर। अपना सिंगर चाय बांट रहा है? चाय वाले को कुछ बोल ही नहीं सकते ना। क्यों, क्या पता कल को प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, ये भी बात सही है। अच्छा रोमियो, जो भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, तुझे पता है कि ये तेरी बातों पर बड़ा हंस रहे, बड़ा मजे ले रहे हैं। मेरी बातों पर हंस रहे हो तो ठीक है। हाँ, कल यहाँ पर पहलवान आने वाला है। हाँ, कल पहलवान आने वाला है। जो पहलवान हार जाए, हाँ, उसको देख करूंगा हंसना, समझे क्या? हाँ, जो पहलवान हार जाए उसको देखकर मत हंसना, नहीं तो दांत तोड़ देगा। क्या करेगा? दांत तोड़ के हाथ में दे देगा। अच्छा ठीक है। लेकिन अभी हमारे प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर जो भी हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी के होते हैं महिलाओं के, किसी के होते हैं सिल्की बाल, किसी के होते हैं कर्ली बाल, और जिससे सब परेशान है वो केजरीवाल। केजरीवाल नहीं रे, झड़ते बाल। झड़ते बाल? हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्या हो गया, देख रहा हूँ किसके किसके सर के बाल कम हैं। अच्छा, देख रहा है किसके किसके सर पे बाल कम हैं। वो अंकल जी चले गए क्या? कौन अंकल जी? वो जो मैनेजमेंट कर रहे थे। वो जो मैनेजमेंट कर रहे थे, सबको डरा धमका रहे थे। हाँ, वो चले गए। हाँ, उनके सर पे भी बाल कम थे। अच्छा, जिनके सर पे बाल कम होता है उसको क्या होता है? उसको पत्नी बहुत मानती है। जिसके सर पे बाल कम होते हैं उसको पत्नी बहुत मानती है, कैसे? आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती। अच्छा, आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, कौन? एक माँ। एक माँ और एक पत्नी। अच्छा, एक माँ और एक पत्नी, फिर क्या होता है? चंद्रदे जी, जब माँ हाथ फेरती है तो गाल आते हैं, और पत्नी फेरती है तो चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे बाल कम है, उनको देखकर क्या लग रहा है? इन सब को देखकर, हाँ, और जो मैनेजमेंट कर रहे थे, जो भाई साहब जो कैमरामैन को हटा रहे थे, हाँ, उनको देखकर ऐसा लग रहा है, हाँ, मोहल्ले की दो चार औरतों ने ही हाथ फेरा है। अच्छा, कहाँ जा रही हैं भाभी जी, कहाँ जा रही हैं? भैया का कॉल आ गया क्या? बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ रही हैं, बैठ रही हैं। मेरे घूमते टाइम तो बिल्कुल मत जाइए। हाँ, नहीं नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। नहीं, भाभी जी जा रही हैं ना, लगता है भैया कह रहे होंगे कि रोमियो को मत देखो। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं कुछ कह रहे होंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में एक जगह मैं गया हुआ था सर, तो एक महिला ने कहा
कि एक बार नाम ले लीजिए, चंदन जी कहाँ हैं? तो मैंने मंच से बोल दिया, चंदन जी किधर है? तो चंदन जी खड़े हो गए। तो मैंने बोला, मैम बुला दूं क्या? बोले, नहीं नहीं, बस यहाँ से देखना चाह रहे थे वो हैं कि नहीं है, कहीं निकल तो नहीं लिए। तो महिलाएं बहुत सतर्क होती हैं, तभी तो ये कहती हैं, सावधानी हटी हाँ तो सौतन करी वो सटी। अच्छा, एक शायरी है, बड़ी अच्छी शायरी है, कि तू एक शायरी सुना दे। शायरी? हाँ। जोर से चली हवा, हाँ तो उड़ गया राज। मैं उड़ गया? हाँ, कि जोर से चली हवा तो उड़ गया राज। अबे यार कुछ अलग बोलना, तू सुनना। हाँ, कि जोर से चली हवा, हाँ तो उड़ गया राज। अबे उड़ क्यों नहीं रहा, तीन बार उड़ा चुका है तू, वजन भी तो देख। चुप है। हाँ बोल बोल बोल। कि जोर से चली होगा, हाँ तो उड़ गया राज। अबे आगे क्या हुआ? रुक गई होगा, गिर गया राज। मेरे प्यारे भाई, ये भाई बहुत हैंडसम है। बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, भाई लोग का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। एक और जरा जोरदार ताली बजा दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। ये कितने अच्छे हैं आप लोग, हाँ एकदम नहाए हुए। हाँ एकदम नहाए हुए। चल ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक शायरी और सुनाता हूँ। कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से, देखकर लग नहीं रहा है कि कमजोर हुआ है। शायरी बोलने दे यार। हाँ बोलना। कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से, कि मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। बहुत अच्छे हैं वो, बाल कटा लेना। देखना यही टकला है, हट पागल। चलिए अभी जाने का समय हो गया, बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज? हाँ एंड जेंटलमैन। लेडीज हेलो। हाँ हेलो। एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू? तू क्यों नहीं बोलेगा? I am not interested in gentlemen. तो ओके ठीक है, मैं बोल देता हूँ बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट, क्या हुआ? पैसा मैंने भी लिया है। अच्छा पैसा तूने भी लिया, तो एक बात कहना रह गया। चंद्रदेव जी कह दूँ? कह दो ना लेडीज।